मित्रों नमस्कार, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब दिवाली मनाइए, एंजॉय कीजिए, दीपक जलाइए और मिठाई खाइए, दोस्तों से मिलिए, पटाखे उड़ाइए और ढेर सारा आप लोग एंजॉय कीजिए। लेकिन मित्रों इसी बीच ये जान लीजिए, दीपक मतलब हमें क्या करना है, हमें अपो दीपो भव यानी आत्मो दीपो भव की भावना लेकर चलना है। यानी अपना दीपक हम खुद बने, ऐसा दीपक बने जो खुद के अंदर का भी और बाहर का भी अंधेरा जो है अंधेरा हम निकाल कर फेंक दें। तो बाहर के अंधेरे को भी और अंदर के अंधेरे को भी निकाल फेंकने के लिए हमें खुद अपना दीपक बनना होगा। तो खुद अपना दीपक बनने के लिए हमें क्या करना होगा, अपना नॉलेज बढ़ाना होगा, अपने को जो है तैयार करना होगा कि अपने ज्ञान को बढ़ाएं और हम जो है अंदर के अंधकार को निकाल फेंकें और जीवन में खुशहाली आए। उसके लिए करना क्या होगा, आप सभी लोग कंप्यूटर्स हैं, स्पेशली आर ओ आर ओ के जो है आर ओ आर ओ को एग्जाम क्वालिफाई करने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं। तो हम लोग जो है फिर उसी दिशा में चलते हैं। कुछ डाउट्स है लोगों को जो है आर ओ आर ओ के एग्जाम के बारे में, कुछ बुक लिस्ट चाहते हैं कि बुक कौन सी पढ़ें। किसी किसी के दिमाग में ये डाउट है कि पहले जो है प्रीवियस पेपर पढ़ें या ना पढ़ें, प्रीवियस पेपर से अब रिपीट नहीं होता है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए। इस तरीके से तमाम सारे डाउट्स हैं जिनको हम क्लियर करना चाहते हैं आज। मित्रों मैं एक बात बहुत अच्छी तरह बता दूं कि एग्जाम जो भी मैंने कई बार बताया कि जो मार्च अप्रैल में जो होने जा रहा है वो तो होगा ही टाइम पर, उसके लिए आपकी तैयारी का सबसे पहला पड़ाव होना चाहिए। सबसे पहले आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये तैयारी को क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप करेंगे, प्रीवियस पेपर्स को आप जितना ज्यादा करेंगे उससे दो फायदे होंगे। एक तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा और दूसरा सिलेबस तो पहले मतलब जितना आप क्वेश्चन पेपर करते जाएंगे सिलेबस, दूसरा एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं उनमें एक्सप्लेनेशन भी इतना बढ़िया इतना जबरदस्त दिया हुआ है कि आपका जो है पूरे की पूरा एक आइडिया बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन से फर्दर मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो लेकिन एक्सप्लेनेशन से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो मेरा बार बार मैं कह रहा हूं कि आज भी प्रीवियस ईयर पेपर का सबसे ज्यादा महत्व है किसी भी तैयारी को। जो स्टार्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा है, जो स्टार्टर्स नहीं है उसको पहले बुक भी पढ़ सकते हैं लेकिन स्टार्टर्स के लिए तो प्रीवियस ईयर पेपर प्लस जो पुराने हैं उनके लिए भी लगातार प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं। अब कौन कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर लें, कौन कौन सी उसके साथ बुक लें, सब्जेक्ट वाइज में जल्दी जल्दी बात कर लेता हूं। चलिए आप लोग देखते हैं, सबसे पहले आप जो है आप उठाइए पॉलिटी। पॉलिटी में क्या होगा, पॉलिटी में बुक तो आपको पढ़नी है लेकिन सबसे पहले आप घटना चक्र का या यूथ कंपटीशन का जो भी आपको अच्छा लगे, घटना चक्र या यूथ कंपटीशन का प्रीवियस साल पेपर यानी घटना चक्र पुनरावलोकन नाम से आता है या यूथ कंपटीशन का ले लीजिए या किसी और का जो आपको सहज लगे। इन दोनों ये दोनों ज्यादातर मार्केट में अवेलेबल है, ये जो है पीसीएस का और आर ओ आर ओ का कंबाइन आता है। कई लोग पूछते हैं अलग से आता है क्या, नहीं कंबाइन आता है। तो पॉलिटी के लिए एक आपका प्रीवियस ईयर पेपर हो गया और उसके बाद में आप बुक्स कौन सी पढ़ेंगे, जिसको सही लगता है वो लक्ष्मीकांत पढ़ ले, एम लक्ष्मीकांत और या फिर परीक्षावाणी भी पढ़ सकता है। परीक्षावाणी आप लोग सुन लिए होंगे नाम, लिखने से टाइम जाएगा। तो ये हो गया आपके पॉलिटी के लिए। ज्योग्राफी के लिए क्या करेंगे, हम बहुत तेजी से जल्दी जल्दी बताते हुए चलते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप क्या करेंगे, अगेन ज्योग्राफी के लिए आप वही चीज पुनरावलोकन घटना चक्र का और परीक्षा वाणी की जो है आती है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग अलग। इसके साथ अगर जिसको कंफर्टेबल ना लगे परीक्षा वाणी, सबसे अच्छी बुक है आप एक प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर प्लस आप महेश बनवाल पढ़ लीजिए, सफिशियंट हो जाएगा। महेश बनवाल की बुक जिसमें कि इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आती है, दोनों चीजें ले लीजिए। इसके साथ आपको एक एटलस यानी मैप रखना है, 100% आपके बिल्कुल करीब होना चाहिए। मैप अगर नहीं है तो ज्योग्राफी पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। मैप खुला होना चाहिए जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो या महेश बनवाल पढ़ रहे हो, उस सारी चीजें होनी चाहिए आपके पास। ये हो गया पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी की बात। अब आगे हम जो है सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे, साइंस की बात करते हैं। साइंस में क्या करेंगे हम लोग, साइंस में प्रीवियस ईयर पेपर प्लस लूसेंट, प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए प्लस लूसेंट ये दोनों आप काम कर लीजिए तब भी काम आपका हो जाएगा।
तो प्रीवियस ईयर पेपर प्लस लूसेंट से काम आपका हो जाएगा साइंस में। या अगर कुछ लोग चाहते हैं अलग से तो परीक्षा मानी की एक काम कर लीजिए, परीक्षा मानी की जीव विज्ञान ले लीजिए, बायोलॉजी की आती है, बायोलॉजी की आती है परीक्षा मानी की, यहां से आपका काम हो जाएगा साइंस का। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर लूसेंट से हेल्प ले लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए आपको जो है परीक्षा मानी से हेल्प ले लीजिए, काम हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कहां पर, सीधा इकोनॉमी पे। इकोनॉमी पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे और उसके साथ क्या लेंगे, नंबर दो पहला प्रीवियस ईयर पेपर, दूसरा आपका जो परीक्षा मानी की, आप जो इकोनॉमी की मोटी सी बुक आती है अगर खत्म कर पाइए तो उसको ले लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर पर परीक्षा मानी की जो है बुक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था नाम से, उसको ले लीजिए जो है उससे काम हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं चौथा हमारा जो पड़ाव कहाँ है, हिस्ट्री पर। हिस्ट्री आप सभी लोग जानते हैं हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हिस्ट्री जो है एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न, मॉडर्न के लिए आप जो है जानते हैं स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है। प्रीवियस ईयर पेपर 100% करना है प्लस स्पेक्ट्रम, मॉडर्न के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर प्लस स्पेक्ट्रम। प्रीवियस ईयर पेपर हर जगह प्लस स्पेक्ट्रम की आती है मॉडर्न, और मेडिवल एंड एंशियंट के लिए, मेडिवल एंड एंशियंट के लिए आप क्या पढ़ेंगे, एस के पांडे की बुक आती है प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। ये आपका जो है हो गया हिस्ट्री का। अब हम लोग सीधा आते हैं कहां पर, हिस्ट्री। ये सब जब बड़े बड़े ये सारे जो हो गए आपके, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स आपके हो गए। देखिए उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए मैंने कल ही बता दिया, उसके बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे। अब हम आते हैं, हिस्ट्री भी हो गई, अब हम आएंगे एग्रीकल्चर पढ़ेंगे ठीक है, एग्रीकल्चर लेंगे, उसके बाद में क्या लेंगे, ये इसको बोलते हैं जो, अरे ये जो अपना पर्यावरण, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण परिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये आप पढ़ेंगे कहां से, आप घटना चक्र का साल पेपर प्लस परीक्षा वाली। एग्रीकल्चर इसमें एनवायरनमेंट के लिए लेंगे, आपको कौन सा लेना है, परीक्षा मारी की जो आएगी इसको पढ़ना ही पढ़ना है प्लस प्रीवियस ईयर पेपर घटना चक्र का। एग्रीकल्चर में भी सेम कंडीशन है, परीक्षा मारी पढ़ेंगे आप, परीक्षा मारी घटना चक्र, इसका पुनरावलोकन नहीं हो, ये तो ज्योग्राफी में ही कवर हो जाता है पुनरावलोकन में, तो आप इसको पढ़ेंगे कहां से, परीक्षा मारी से आएगी ये दोनों चीजें परीक्षा मारी की। इसके साथ साथ आप फिर से प्रीवियस ईयर पेपर करना ही है घटना चक्र का, घटना चक्र उसके साथ साथ परीक्षा मारी। अब आती है आपकी जनसंख्या, सेंसस, जनसंख्या अगेन परीक्षा मानी से जनसंख्या आपको कंप्लीट करनी है। और मुझे लग रहा है कि अभी कोई चीज छूट नहीं थी, उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल जो है अगेन परीक्षा मानी प्लस प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ घटना चक्र, तो यहां पर जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल भी हो गया। अब आपको करंट अफेयर्स मैंने कल बता ही दिया है, तो इस तरह से दीपक जलाइए अपने जीवन में कि आने वाला जो है आरओ एग्जाम आपका 100% क्लियर हो जाए। इस दिवाली प्रण लीजिए। देखिए मित्रों, कई बार मैं बताता हूँ, बहुत लोगों ने मेहनत की है, बिना मेहनत के किसी को मिलता नहीं। अभी हमारे एक मित्र हैं जिनका इंटरव्यू बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, वो लास्ट एज, मतलब कि जब उनका एज पूरा हो गया, यानी यूपीपीसीएस की पूरी एज कंप्लीट हो गई, फाइनल अटेम्प्ट में, आखिरी प्रयास में उन्होंने, अभी यहाँ वर्तमान में उत्तर प्रदेश सचिवालय में ही अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात हैं, विजय सिंह राणा नाम है उनका, तो वो जो है यहाँ पर अनुभाग अधिकारी होते हुए लास्ट अटेम्प्ट में, पीसीएस का आखिरी अटेम्प्ट था, उन्होंने जो है प्रधानाचार्य वहाँ पर प्रिंसिपल के रूप में, जीआईसी प्रिंसिपल के रूप में अभी चयनित हुए, अभी 4-5 दिन पहले रिजल्ट आया। तो लगातार लगे रहे, प्री मेंस इंटरव्यू ये सब लोग देते रहे, तो पेशेंस की जरूरत है, आपको मोटिवेटेड रहने की जरूरत है, लगातार काम करने की जरूरत है। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, पेशेंस बनाए रखेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी सक्सेसफुल डेफिनेटली, एंड यू विल बिकम आरओ एज वेल एज व्हाट एवर एग्जाम यू वांट टू क्वालिफाई दैट। सो प्लीज बी फोकस्ड, बी कंसेंट्रेटेड, बी पेशेंट एंड कंटिन्यू हार्ड वर्क। सो आप लोग दिवाली मनाइए, साथ साथ कुछ मतलब की भी बातें चलती रहे,
हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हो सकता है कि किसी ऐसे शख्स को जो सक्सेसफुल हुए हैं, इंटरव्यू भी हम जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।